डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे स्टैंडर्ड पेपर के आए थे। देखिए, ये सेट वन लिया गया है, ठीक है, और प्रश्न कोड 33-1 दिया हुआ है। ये आपका स्टैंडर्ड मैथ है। देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछा गए थे। 2 घंटे टाइम दिए गए थे और 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जिसमें सेक्शन ए बी सी करके पूछा गया है। और पेपर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा गया था। देखिए आपका ये इस साइड में आपको हिंदी दिया हुआ है, इस साइड में देखिए आपका क्वेश्चन इस तरह पूछे गए थे। सेक्शन ए में वन है ना, वन का ए और बी और करके ऑप्शन दिया गया था। 2 नंबर 3 नंबर इस तरह क्वेश्चन एपी से पूछे थे, फ्रीक्वेंसी से, ये आपका स्टैटिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ए आपका फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछे गए थे आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया से, उसी से रिलेटेड। और मैं या तो ये बना सकते या ये बना सकते थे। उसके बाद आपका एपी का क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके बाद ये देखिए ये आपका कौन सा है, सर्कल का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से 10 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ था। 7 में भी 2 ऑप्शन दिया हुआ था। एक कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन दिया हुआ था, लाइन सेगमेंट बनाना था और टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, 7 नंबर हो गया। उसके बाद आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ था, ये हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। और ये आपका फिर स्टैटिक से क्वेश्चन दिया हुआ 3 मार्क्स में, मीन वेट निकालना है। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए इस तरह का पूछा गया, फॉर द फॉलोइंग, इसमें भी आपको मेडियल निकालना है। और सेक्शन में भी आपका 11 से 14 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस क्वेश्चन 4 मार्क्स का। देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपको सर्कल से रिलेटेड दिया हुआ है और इसमें और करके या तो ये बना सकते थे क्वेश्चन, या तो इसके बाद आपको दिया हुआ क्वेश्चन एक क्वेश्चन को बना सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन एक दिया हुआ था और 2 क्वेश्चन आपको केस स्टडी, 12 नंबर क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस से दिया हुआ है और केस स्टडी क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए थे। देखिए आपका इस तरह का फिगर दिया हुआ था, केस स्टडी में आपको पूछ रहा था कि आपका एक्स का वैल्यू निकालिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था और ये विड्थ निकालना था, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ था 13 नंबर। और लास्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये भी केस स्टडी से क्वेश्चन है, ये 4th मार्क्स का, इसको आपको रीड करके है ना दिया होता, इसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार से आपको इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन के अनुसार से आपको आंसर देना था, हाउ मेनी स्क्वायर इतना, ठीक है। तो ये दिखाने का पर्पस ये था कि आपको इस तरह का देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट नए आने वाले हैं वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो देख सकते हैं, और सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।